चलिए, साइको की हमारी दूसरी वीडियो है। मैं कुछ चीजें समझा देना चाहता हूँ आपको। सबसे पहले देखो, आपको समझाया गया है अपसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन। दो चीजें आपको समझाई गई हैं, अपसारी और अभिसारी। अपसारी और अभिसारी में कन्फ्यूजन होता है कि ये है क्या। बस इतना सा याद रखना है आपको, अप का मतलब ऊंचा, तो चिंतन अपसारी जहाँ है तो अप यानी कि ऊंचा चिंतन है, तो चिंतन ऊंचा ही तो होना चाहिए ना, तो चिंतन होना चाहिए अपसारी। एक ही चिंतन बचा, दूसरा वो है अभिसारी। तो सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उसके बाद आगे की कार्यवाही हम शुरू करेंगे। ये दूसरी क्लास होगी हमारी, क्वेश्चन पे बेस्ड है। जो अब तक हमने थोड़ी पढ़ी है, जो क्वेश्चन बेस्ड है, ये हमारी दूसरी क्लास है। तो स्टूडेंट्स, मैं जो चौहान आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल शिखर अकेडमी पर। तो सबसे पहले समझते हैं हम अपसारी और अभिसारी। दोबारा से कैसे पढ़ा दिया है आपको, अपसारी बड़ा बड़ा लिखो। ये नीचे था कल, कोई बात नहीं, पूछ सकते हैं आप कुछ भी। ऐसे नहीं है, ये कल नीचे था इसलिए मैं नीचे लिख रहा था, आज ठीक पर है ये। देखो, अपसारी, अप का मतलब ऊंचा। अब इसमें एक बात समझने की है, सभी पक्ष के विषय में सोचना, बड़े ध्यान से समझना, सारे क्वेश्चन इसी पे बेस्ड होंगे। और ये क्या है, एक पक्ष के विषय में सोचना, अपसारी सभी पक्ष के बारे में सोचना, अभिसारी एक पक्ष के बारे में सोचना। यानी कि ये है असीमित विचार, ये है सीमित विचार। अब समझ लो, चार ऑप्शन मिलेंगे आपको। अगर क्वेश्चन पॉजिटिव है तो आपको तीन ऑप्शन वो छांटने हैं जो इस सोच पर आधारित हैं। काट के अलग कर लो, जो बचा वो हमारा। देखो, आपको चार ऑप्शन मिलेंगे, चार ऑप्शन में से अलग छांट लो कौन से वाले, जो इस वाले चिंतन पर आधारित हैं, जो बचा वो हमारा आंसर। तो आपको ये देखना है कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो सीमित विचार वाला है। वहां पे लिखा नहीं मिलेगा आपको अपसारी अभिसारी, इनका अर्थ समझ लो। ये वाली चीज आपको हर ऑप्शन में मिलेगी। तो तीन ऑप्शन मिलेंगे आपको अभिसारी सोच वाले, एक ऑप्शन मिलेगा आपको अपसारी सोच वाला, अगर क्वेश्चन पॉजिटिव है तो तीन छांट के अभिसारी वाले अलग कर लो, जो बच्चा वो हमारा आंसर। क्लियर यहाँ तक सबको? अब मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, आप अपने बुक में देखिए और बड़े ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा, जो यूट्यूब से पढ़ रहे हैं उनको क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाई देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। पियाजे की चार अवस्थाएं थी। पहली अवस्था संवेदिगामक काल, दूसरी अवस्था पूर्व संक्रियात्मक काल, तीसरी अवस्था मूर्त, और चौथी अवस्था अमूर्त। तो ये किस अवस्था की बात कर रहा है, तीसरी वाले की, यानी कि मूर्त। मूर्त का मतलब मूर्ति, मूर्ति का मतलब जो दिखता है। तो इस अवस्था में बच्चा केवल उन घटनाओं के बारे में सोच सकता है जो उसके सामने घटी होती है, जिसके सामने घटे होते हैं, उसी आधार पर हमें अपना आंसर देखना है। क्या आप क्वेश्चन समझ पाए, क्योंकि आंसर लाने के लिए क्वेश्चन को समझना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। तो फर्स्ट ऑप्शन है परिकल्पित निगमात्मक तर्क और साध्यात्मक विचार। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो पियाजे की तीसरी वाली अवस्था थी, केवल देखी घटनाओं के विषय में सोचना, क्या उसमें कल्पना शक्ति का विकास हो जाता है? नहीं ना। जो फोर्थ वाली अवस्था थी उसमें कल्पना शक्ति उसमें आ जाती है, लेकिन तीसरी वाली में तो नहीं आती। और तीसरी वाली में इसने क्या दिया, पहले ऑप्शन में परिकल्पित, तो कल्पना तो यहाँ नहीं है ना, जो हमारा पहला दूसरा तीसरा चौथा। तो पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पर गलत हो जाता है। अब बढ़ते हैं दूसरे ऑप्शन की तरफ, संरक्षण और कक्षा समावेशन। देखो, जो ये वाली थी पियाजे की, जो मूर्त वाली अवस्था थी, वो क्या थी, मूर्त वाली, कहाँ से कहाँ तक, 7 से, यही तो थी ना, 7 से 12। और 7 से 12 बाल्यावस्था थी, और मैंने आपको बताया था बाल्यावस्था में बच्चे बहुत सारी चीजें जोड़ के रख लेते हैं, इसका भी ले उसका भी ले, सारी चीजें, इसका भी खिलौना इकट्ठा कर, उसका भी इकट्ठा कर, जो काम की भी नहीं है ना उसे भी रख लेंगे ना। गुड्डे गुड़िया से खेले हैं कभी, है ना? हाँ,
जो गुड़िया के पैर भी टूट गया ना, गर्दन भी टूट गई, उसे भी संभाल के रख रहे हैं, समझ गए? यही है वो संरक्षण, यानी कि चीजों को संभाल कर रखना। और कक्षा समावेशन मतलब कक्षा में बैठना, जो बच्चे होते हैं भाई तीसरी 3-4 साल के जाने लगते हैं, तो इस अवस्था 3-4 साल की उम्र जब पहली बार जाएंगे तो भागेंगे क्लास से, लेकिन यहाँ पर वो एडजस्ट करना सीख लेता है कि हमें क्लास में ही रहना है। बात समझे हैं? तो ये हो सकता है आंसर, लेकिन अब हम इसे अभी सही नहीं करेंगे, क्योंकि हमें चारों ऑप्शन पढ़ने हैं। ये याद रखना, हमेशा चारों ऑप्शन पढ़ने हैं। फिर है आस्थगित अनुकरण और पदार्थ स्थायित्व। आस्थगित अनुकरण, अब मुझे एक बात बताओ, अनुकरण किस अवस्था में होगा? पहली वाली अवस्था में। बात समझे हैं? अनुकरण पहली या मैक्सिमम दूसरी वाली अवस्था में हो सकता है, यहाँ तो नहीं होगा अनुकरण, इसलिए यह ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है। फिर फोर्थ ऑप्शन, प्रतीकात्मक खेल और विचारों की अनुत्क्रमणीयता। ये क्या रहा कि प्रतीकात्मक खेल करते हैं और विचारों की अनुत्क्रमणीयता का क्या मतलब है? पलट कर न जा सकना। जैसे बच्चे सुबह खेल रहे थे, लड़ाई बजी, और फिर 2-1 घंटे बाद फिर एक साथ खेल रहे हैं। क्यों खेल रहे हैं वो? क्योंकि वह उस विचार पर पलट कर नहीं जा सकते कि हमारी लड़ाई क्यों बजी थी। अब आप समझो, आप जिस एज में हैं, अगर किसी के साथ थोड़ी सी भी नोक झोंक हो गई ना, तो बोल लेंगे नहीं उसके साथ। क्यों? क्योंकि आप पलट कर जा सकते हैं कि लड़ाई इस वजह से बजी थी और मुझे इसके साथ नहीं बोलना। बात समझे हैं? तो यहाँ तो नहीं होता बच्चा। बात समझे हैं? तो ये वाली पोजिशन कौन सी है? फर्स्ट और सेकेंड वाली, इसलिए ये वाला भी गलत हो जाता है, ये वाला सही हो जाता है। क्या आप समझ पाए? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है? संज्ञान को क्या कहते हैं इंग्लिश में, बताइए, लिखवाए आपको। संज्ञान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? संज्ञान का क्या अर्थ है? संज्ञान का अर्थ होता है कॉन्सेप्ट या टॉपिक। कॉन्सेप्ट या टॉपिक को हम संज्ञान कहते हैं। तो हमें संज्ञान वाला ही ऑप्शन छांटना है इसमें से। कौन सा? देखो, पियाजे की संरचना है, पहला ऑप्शन है स्कीमा। स्कीमा को भी क्या कहते हैं? कॉन्सेप्ट या टॉपिक। फिर दूसरा है अवलोकन अधिगम, क्योंकि संज्ञानात्मक विकास की बात कर रहा है वो, तो अवलोकन अधिगम यानी कि अवलोकन करके अधिगम करना, ऐसा तो पियाजे ने नहीं बताया था, ये गलत थ्योरी पूरी पढ़ाई आपको। फिर है अनुबंधन वाले, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड, या से ऑप्शन का आता कि गलत होंगे, तो ये भी गलत है। फिर है प्रबलन यानी कि मोटिवेट करना, समझ में आया? तो पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत में मोटिवेट कहीं नहीं था, चारों चरण में से किसी में भी, ये भी गलत। तो क्या है हमारा आंसर? फर्स्ट। क्या आप समझ पाए? हम नेक्स्ट, आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? आकलन का अर्थ होता है जांच करना, चेकिंग करना। स्वयं आकलन का मतलब सेल्फ चेकिंग करना है ना, तो आकलन का मतलब होता है जांच करना। अब ये कहना चाह रहा है कि आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए। अब समझ लो एक छोटी सी बात, कभी भी आपको ये नहीं देखना है कि बच्चे ने कितना सीखा। क्यों? इसका एक बता रहा हूं मैं आपको। दो बच्चे हैं, एक रामू एक श्यामू। रामू श्यामू, रामू के भी 10 नंबर और श्यामू के भी 10 नंबर। रामू से पूछा गया कि बताओ कैसे आए 10 नंबर, कि जी ऐसे, चलो ठीक है। श्यामू से पूछा गया, श्यामू ने 1-2 क्वेश्चन के जवाब दिए और उसके बाद जवाब नहीं दिए। इसका मतलब क्या है? नंबर तो 10 में से 10 आ गए। इसका मतलब क्या है? रामू ने, सॉरी श्यामू ने नकल करके ले आए हैं नंबर। मेरी बात समझे हैं? अगर आप नंबर के आधार पर देखते तो दोनों अच्छे हैं, पढ़ने में अच्छे हैं, लेकिन आपने सोचा कि मुझे ये नहीं देखना है, ये नहीं देखना है कि कितना सीखा, मुझे देखना है कैसे सीखा। बात समझे हैं? ये नहीं देखना है कितना सीखा, क्या देखना है कैसे सीखा। अब कैसे सीखा में आपने क्वेश्चन किए और रामू पाया गया कि 2 ही क्वेश्चन कर पाया, उससे ज्यादा नहीं कर पाया। तो आकलन तो प्राथमिक या मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? कितना सीखा है, ये नहीं कैसे सीखा है, ये हमें पता होना चाहिए। क्लियर?
अब पढ़ते हैं दोबारा से एक बार क्वेश्चन। आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन है विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करना, आपके नोट्स में लिखा है श्रेणी वाले ऑप्शन नहीं लगाने। जिन्हें नहीं पता है वो यूट्यूब से वीडियो देख सकते हैं और अपने इन डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चे की स्पष्ट तथा भ्रांतियों को समझना। अब मुझे एक बात बताइए आप, यही तो था, यही तो कह रहा है ऑप्शन करने के लिए जो मैंने आपको एग्जांपल से बताया है। दोबारा समझो, संबंधित अवधारणाओं के बारे में, अवधारणाओं का मतलब टॉपिक, जो बच्चे को टॉपिक समझाए गए हैं, जो बताए गए हैं, उन टॉपिक्स के बारे में बच्चों को स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना कि बच्चा समझा है या नहीं समझा है, जो नंबर लेके आया है वो समझ के लाया है या रट्टाफिकेशन से लाया है या फिर नकल से लाया है। तो ये हो सकता है ना, तो पहला तो हमने यहाँ पर गलत कर दिया, ये हो सकता है। सेकंड, थर्ड, विद्यार्थियों के प्राप्त अंकों के आधार पर उन्हें नामित करना। विद्यार्थियों को प्राप्त अंक, अंक वाले गलत है ना, तो ये गलत है। अब ये तो हो गया टेक्निकल पॉइंट, ये गलत है, अंक जहाँ जाएगा वो ऑप्शन गलत होगा। अब क्यों गलत हो जाएगा समझ लो, बच्चों को नामित करना, भाई आप होशियार हो, अंकों के आधार पर आप होशियार हो और आप डल हो, तो दोनों में क्या हो गया, हमने एक को अच्छा बता दिया, एक को कम तर आंक दिया। तो जो कम तर आंका गया है जिसे उसको कॉन्फिडेंस लो रहेगा, और जिसे अच्छा बताया गया वो उस पर हावी होने की कोशिश करेगा। तो हमने एक ही क्लास के बच्चों को दो बांट दिया, मतलब हमने, और बच्चों को बांटना नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाता है। फोर्थ, रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण अंकित करना। हम इसलिए नहीं करते हैं आकलन कि उन्हें पास या फेल कर सके, हम इसलिए करते हैं आकलन ताकि उन्हें समझा सके। समझ में आ रहा है? इसका क्या एग्जांपल समझो, आज 90% 99% में नंबर आ रहे हैं क्या नहीं आ रहे हैं? जब अगर नंबर के आधार पर किसी की काबिलियत को आंका जा सकता था तो कब से आ रहे हैं 99%? लगभग 10 साल से, 2012 से नंबर बिल्कुल आ जाते हैं फर्स्ट क्लास। अब मुझे एक बात बताइए, जब 99% आ रहे हैं नंबर बच्चों के, तो भारत से बेस्ट डॉक्टर क्यों नहीं है, बेस्ट इंजीनियर क्यों नहीं है, बेस्ट शिक्षक क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, जब इतने इतने नंबर आए? क्यों? क्योंकि सब रट्टाफिकेशन पे लगे पड़े हैं, समझने पे किसी का ध्यान है ही नहीं, कॉन्सेप्ट को क्लियर करने पे किसी का ध्यान है ही नहीं, सब लगे पड़े हैं रट्टाफिकेशन पे। सोचिए जरा, 10 साल में क्या बेस्ट डॉक्टर नहीं होंगे भारत में, या बेस्ट शिक्षक नहीं होंगे, या बेस्ट इंजीनियर नहीं होंगे? कितने पुल गिरते हैं बनाते बनाते, कौन जिम्मेदार है इनका? समझ रहे हैं आप? बस यही वाली बात है, ठीक है। तो फोर्थ वाला ऑप्शन भी हमारा गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपने। निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है? पॉजिटिव क्वेश्चन है, कौन सा बुद्धि के बारे में सही है ये वो जानना चाह रहा है। फर्स्ट ऑप्शन, बुद्धि एक निश्चित योग्यता है जो जन्म के साथ ही निर्धारित होती है। क्या ऐसा है कि जब आप पैदा होते हैं तो आपने पढ़ा होगा, बीएड में पढ़ा होगा, बीटीसी में पढ़ा होगा, समझो ये वाली लाइन, हर एक बच्चा अपनी काबिलियत के साथ, सेम समान काबिलियत के साथ पैदा होता है। एक शिक्षक बच्चे के अंदर जो काबिलियत है ना, बच्चे के अंदर ही रहती है, उसे बाहर निकालता है। सब बच्चे समान होते हैं, बात समझ रहे हैं? तो कोई भी अच्छी बुद्धि या बुरी बुद्धि के साथ पैदा नहीं होता, बस फर्क इतना है कि हम उस बुद्धि को डेवलप कितना कर पाते हैं, उसके आधार पर कोई आगे निकल जाता है और कोई पीछे रह जाता है। तो पहला ऑप्शन गलत हो जाता है, क्लियर। नेक्स्ट, बुद्धि को मानकीकृत परीक्षणों के प्रयोग से सटीक रूप से मापा एवं निर्धारित किया जा सकता है। आपको पहले ही पेज पर समझाया आपकी साइकोलॉजी के कि बुद्धि दो प्रकार की होती है, कौन सी, मात्रात्मक और यानी कि विकास, विकास दो प्रकार का होता है, मात्रात्मक और गुणात्मक। तो बुद्धि किस में आती है? गुणात्मक में, समझ में आया? और जो बुद्धि गुणात्मक में आती है और गुणात्मक विकास मापा नहीं जा सकता, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है। थर्ड, बुद्धि एक एकात्मक कारक तथा एकांकी विशेषक है। क्या बुद्धि एकात्मक कारक है?
हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, अभी छोड़ देते हैं। फोर्थ पढ़ते हैं, बुद्धि बहुआयामी तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। समझ में आया? बुद्धि बहुआयामी है, देखो बुद्धि से आप गुणा भी कर सकते हैं, भाग भी कर सकते हैं, है ना। ससुराल जा सकते हैं, माई के भी जा सकते हैं, बस में जा सकते हैं, ट्रेन में भी जा सकते हैं। तो बुद्धि क्या है? बहुआयामी, बुद्धि से बहुत सारे काम किए जा सकते हैं। और जटिल योग्यताओं का एक समूह है, बुद्धि जटिल योग्यताओं का एक समूह है जो आपको जीने के लिए, आपकी समस्याओं को सोल्व करने के लिए काम करता है। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है और ये ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। क्या आप समझ पाए? नेक्स्ट क्वेश्चन, रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है। कोई समस्या आ गई रूही के सामने, अब वो एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है। इसका मतलब ये है कि किसी भी समस्या को सोल्व करने के लिए वो सोचती है कि अच्छा ये ऐसे भी हो सकता है, ये ऐसे भी हो सकता है। मैथ में पढ़ाया है आपने, एक क्वेश्चन को कई तरीके से हम कर सकते हैं, है ना। तो यही कह रहा है वो। तो रूही क्या है इनमें से, इन चार ऑप्शन में से? इनमें से काफी समाधान मौलिक होते हैं। रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है? फर्स्ट ऑप्शन, सृजनात्मक विचार। पहला ऑप्शन, भाई सृजनात्मक बच्चे तो होता है जो किसी भी समस्या को एक तरीके से नहीं, कई तरीकों से सोल्व कर सकता है। सृजनात्मक को इंग्लिश में क्या कहेंगे? क्रिएटिव। ठीक, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो सकता है, लेकिन अभी अभी हम इसको सही नहीं करेंगे, चलो बिंदु लगा देते हैं। नेक्स्ट, अभिसारिक विचार। बताया था ना अभी क्लास के स्टार्टिंग में ही कि अभिसारी वो होता है जो एक पक्ष से सोचो और अपसारी वो होता है जो बहुपक्ष से सोचो। तो ये तो अभिसारी तो नहीं हो सकती जब एक से ज्यादा विचार कोर्स कर सकती है। फिर है अनन्य विचारक। अनन्य विचारक का मतलब यह है कि एक ही चीज के बारे में सोचना है लेकिन उससे संबंधित नहीं, कुछ और विचार, और भी बहुत सारे विचार। अनन्य विचारक का मतलब है सोच तो रही है लेकिन उस समस्या से संबंधित नहीं सोच रही है, उसके अन्य ही विचार हैं। तो ये वाला गलत। फोर्थ, आत्म केंद्रित विचारक। समझो, केंद्रित बाहर से अंदर, अभिसारी आके अपसारी है, हम सारी तरफ से एक केंद्र पे आ गए, एक केंद्र, तो अभिसारी हुआ कि नहीं हुआ? और जब एक केंद्र से हम सब तरफ जाएंगे तो अपसारी। तो ये कह रहा है कि आत्म केंद्रित, तो आप आत्म केंद्रित तो यहाँ हो गया ना, तो अभिसारी तो हुआ, तो ये भी गलत। इसका मतलब ये वाला सही। क्या आप समझ पाए? हाँ, इलेमिनेट करना है, सही नहीं छांटना, ये ध्यान रखना, हमें सही नहीं छांटना, हमें गलत छांटने हैं। पॉजिटिव क्वेश्चन में जो बचेगा वो हमारा आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? क्वेश्चन समझ में आया? कुछ बच्चे ऐसे हैं, इधर देखो, अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जो वंचित वर्ग के हैं। वंचित वर्ग के कौन से होंगे? या तो गरीब बहुत, या फिर जिन्हें सुविधाओं का अभाव होता है वो। तो हम दोनों ही मान लेते हैं यहाँ पर, कुछ बच्चे क्लास में हैं और वो सहभागिता का मतलब है कि कोई भी अगर एक्टिविटी कराई जाती है तो वो पार्टिसिपेट कम ही करते हैं, है ना। तो ऐसी सिचुएशन में एक शिक्षक होने के नाते आप क्या करेंगे, यह है क्वेश्चन। इन चार ऑप्शन में से आप क्या करेंगे, ये वो पूछना चाह रहा है। क्वेश्चन समझ समझे हैं सब? क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन है जिनको जिनका आंसर समझने के बाद ही आएगा, नहीं तो आएगा ही नहीं। ठीक, देखो जरा, आप फर्स्ट ऑप्शन, बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए कहना चाहिए, उसे ये कहेंगे कि आप पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, विद्यालय छोड़ दो। अब यहाँ पर एक चीज मुझे याद आ गई, वो समझ लो, कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं लगाना है आपको जो शिक्षक के फेवर की बात करे और विद्यार्थियों के यानी कि अपोजिट बात करे। तो कभी भी आपको विद्यार्थी के बारे में नेगेटिव नहीं सोचना है। तो विद्यालय छोड़ने के बाद कौन शिक्षक कहेगा, ये गलत है। फिर है, इस
स्थिति को जैसी है वैसे ही स्वीकार करना चाहिए। प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, ये ऑप्शन क्या ना क्या चाह रहा है, ये क्या रहा है, अरे ठीक है भाग लेते हैं नहीं लेते हैं छोड़ो अपना काम करेंगे शिक्षक से, ये क्या रहा है, ये ऑप्शन क्या सा करना चाहिए, नहीं, नहीं ना, तो ये ऑप्शन हमारा गलत। थर्ड ऑप्शन, इन विद्यार्थियों से अपनी अपेक्षाओं को कम करना चाहिए, इन विद्यार्थियों से अपनी अपेक्षाओं को यानी कि शिक्षक को अपनी अपेक्षाएं कम कर देनी चाहिए, यानी कि एक अब मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ ये ऑप्शन क्या ना क्या चाह रहा है, ये क्या ना चाह रहा है कि ये तो ऐसे ही हैं गरीब या गांव से आए हुए या शहर से भी आए हुए गंदे गंदी आदतों वाले कि ये पढ़ेंगे ही नहीं चाहे कितने भी समझाओ, इसलिए छोड़ दो बस जो जैसे हैं वैसा ही रहने दो, क्या एक शिक्षक को ऐसा करना चाहिए, नहीं ना, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाता है। फिर है फोर्थ, अपने शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चे की सहभागिता में सुधार करने के लिए एक नए तरीके ढूंढने चाहिए। समझ में आया, हो सकता है कि हमारी शिक्षण पद्धति ऐसी हो कि वो पार्टिसिपेट ही ना कर पा रहा हो, तो अपने शिक्षण पद्धति पर विचार करो, सबसे पहले विचार करने के बाद उसे सही करो, और सही करने के लिए क्या करेंगे हम नए तरीके ढूंढ लेंगे, यानी कि नई शिक्षण पद्धति की खोज करेंगे। क्या आपको ये बात समझ में आई है सारी, पक्का, यहाँ तक किसी को कोई डाउट, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। एक समावेशी कक्षा में, समावेशी का क्या अर्थ होता है, एक ऐसी कक्षा जिसमें सभी प्रकार के धर्म जाति लिंग गांव से जुड़े शहर से जुड़े बोली से जुड़े सारे बच्चे एक ही क्लास में बैठ के पढ़े, ऐसी शिक्षा को समावेशी शिक्षा और ऐसी कक्षा को समावेशी कक्षा कहा जाता है। क्या आप समझ पाए, अब समझे क्यों लिखवाए थे आपको वो, अगर ये नहीं पता होता तो क्वेश्चन नहीं समझ पाते आप। फर्स्ट, एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को क्या करना चाहिए इन चार ऑप्शन में से। पहला ऑप्शन, तैयार नहीं करना चाहिए, लेसन प्लान ही कह रहा है कि जब पढ़ाने जाते हैं तो लेसन प्लान तैयार नहीं करना चाहिए, तो ये तो गलत हो गया ना, लेसन प्लान से तो तैयार करके जाएंगे जो हमें पढ़ाना है। फिर है, कभी कभी तैयार करना चाहिए, जब पढ़ा रोज रहे हैं तो लेसन प्लान भी तो रोज चाहिए ना। फिर है, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए, हो सकता है। फिर है, तैयार करने के लिए हतोत्साहित, हतोत्साहित करेंगे उत्साहित करेंगे, नेगेटिव है ना तो उत्साहित, तो ये हमारा गलत हो जाता है, ये हमारा सही। आशा है कि आप समझ पाए होंगे, ठीक है, तो आज की क्लास को इतना ही रखते हैं, जो लोग नए आए हैं वो सब्सक्राइब कर ले चैनल को और वीडियो को शेयर कर दे, थैंक यू।